सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी कौन सी, सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे में सर मैंने लॉन्ग टर्म पे लिया हुआ था स्काई गोल्ड, 200 शेयर मैंने लिए हैं ये। हाँ और अभी मुझे ये जानना है सर, मैं इसको होल्ड पे रखूं या जो प्रॉफिट अभी मुझे इसमें मिल रहा है मैं इसको ले लूं, स्काई गोल्ड 200 शेयर ले। कहाँ से आए स्काई गोल्ड का आइडिया? सर यूट्यूब भी फॉलो करती हूँ और न्यूज भी फॉलो करती हूँ, CNBC फर्स्ट से स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ मैं, 1.5 ईयर से मैं इसमें कर रही हूँ, शेयर मार्केट पे ले रही हूँ। और फर्स्ट स्टार्टिंग जो मैंने किया है सर वो किया हुआ है CNBC से स्टार्ट, देखना सीखना धीरे धीरे एक एक वर्ड। स्काई गोल्ड का आइडिया कैसा है? ये CNBC पे तो स्टॉक एडेड भी नहीं है, तो यहाँ तो सुना नहीं, नहीं, आपने? नहीं सर ये नहीं, ये सर ये CNBC ये मैंने यूट्यूब से चेक किया सर। पता नहीं जिसने भी बताया है, सर्किट टू सर्किट वाला भाई 275 वाला हमारे पास तो एडिट नहीं है आज तक। आज भी 750 के ऊपर आज भी 5% सर्किट पे करेक्ट होके आया था, वापस चलना शुरू हो गया है। पता नहीं क्या है ये स्काई गोल्ड, आप लोग एक्टिवली ट्रैक करते हो हिम में क्या, कहाँ निकलूं, कब मुनाफा बांधूं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए स्काई गोल्ड जो कंपनी है बेसिकली वो डायमंड और ज्वेलरी की कंपनी है और नतीजे बहुत जोरदार इसने दिए थे। इनफैक्ट मैं तो जून क्वार्टर की बात कर रही हूँ, सितंबर के तो अभी तक आए नहीं है, वहां पे भी अगर मैं देख रही हूँ तो 100% का ग्रोथ इसने बॉटम लाइन में दिया था, तो नो डाउट नतीजे काफी सॉलिड थे। लेकिन मैम बैलेंस शीट तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, डेट काफी है, लोन काफी है और वो डेट टू इक्विटी रेशियो हैवी है कंपनी का। तो फंडामेंटली मैं आपको ये सलाह दूंगी मैम, थोड़ा आप इसमें ना प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा आप निकलने का प्रयास करो, क्योंकि थोड़ा बैलेंस शीट पे लिवरेज्ड है बैलेंस शीट, अभी तो चल रहा है तब तक तो ठीक है, और आप निकलेंगे तो 50% या 70% एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, और रिमेनिंग भी जो आप पोजिशन होल्ड करेंगे उसमें 560 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपकी तो 275 की खरीद है तो बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है, पर थोड़ा सा इसको हल्का करिए, क्योंकि देखिए मैम मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना, ऐसे स्टॉक्स का कुछ भरोसा नहीं होता, जो मिल रहा है एक बार जरूर लेना चाहिए, और फिर अगर रिजल्ट में कुछ अच्छा नहीं आया तो उसको मार भी झेलनी पड़ सकती है। तो आप अभी इसमें पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, रिमेनिंग को 560 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए और ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करिए मैम। मुंबई बेस्ड जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, गजब, 250 वाला 750 पे, पार्शली तो पहले तो प्रॉफिट बुक करें मैम, आपके पास तो क्वांटिटी भी 200 है, थोड़ा सा निकालें मुनाफा बांधें, बाकी आस्था जो कह रही है स्टॉप लॉस के साथ